गुड मॉर्निंग स्टूडेंट मैं मिसेस विनीता पांडे असिस्टेंट प्रोफेसर जुलॉजी के जी आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज रायगढ़ मेरा टॉपिक है अल्ट्रा एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल पार्ट वन एम एस सी सेमेस्टर फोर पेपर वन यूनिट फोर सिनॉपसिस इंट्रोडक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ मसल स्केलेटल ऑफ मसल स्केलेटल मसल टिश्यू अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल एंड रेफरेंस देखेंगे हम सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन मसल सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशल सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर मसल मस्कुलर सिस्टम स्पेशल सेल की बनी होती है जिसे मसल फाइबर कहा जाता है इट इज़ प्रोटेक्ट टू द बॉडी या बॉडी को प्रोटेक्ट करती है मसल मसल मस्कुलर सिस्टम का सबसे मेन करेक्टर होता है कि इसमें कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी पाई जाती है मसल फाइबर का मेन करेक्टर है कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी का पाया जाना यह बॉडी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है बॉडी मसल्स तीन टाइप की होती है स्केलेटल कार्डियक एंड स्मूथ मसल क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं स्केलेटल मसल स्ट्रिप्ड होती है वॉल्यूंट्री होती है और बोन्स के साथ अटैच होती है दूसरा है स्मूथ मसल नॉन स्ट्राइटेड इन वॉल्यूनट्री मतलब अनैच्छिक होती है दिस इज मोस्टली प्रेजेंट इन होलो ऑर्गन थर्ड कॉर्डियक मसल इन वॉल्यूनट्री होती है यह हार्ट की चारों तरफ पाई जाती है इट इज दिस इज मोस्टली प्रेजेंट इन हार्ट स्केलेटल मसल टिश्यू स्केलेटल मसल कंपोज्ड ऑफ हंड्रेड टू थाउजेंड ऑफ सेल कॉल्ड मसल फाइबर यह हंड्रेड से लेकर थाउजेंड तक सेल की बनी होती है जिसको मसल फाइबर कहा जाता है स्केलेटल मसल्स ऑल्सो कंटेन कनेक्टिव टिश्यू सराउंड मसल फाइबर एंड होल मसल एंड ब्लड वेसल एंड नर्व्स कनेक्टिव टिश्यू की तीन लेयर स्केलेटल मसल को प्रोटेक्ट करती है जिसमें से फर्स्ट लेयर है एपीमाइसीम सेकेंड है पेरीमाइसियम आउटर मोस्ट लेयर ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू सर्कल द एंटायर मसल पूरी मसल्स को इनसर्कल करने वाली जो कनेक्टिव टिश्यू की आउटर मोस्ट लेयर है उसे एपीमाइसियम कहा जाता है दूसरा है पेरीमाइसियम पेरीमाइसियम मसल फाइबर को मसल फाइबर के ग्रुप को सराउंड करता है सेपरेटिंग देम इन टू बंडल्स कॉल्ड फेसाइकल इनको बंडल्स के रूप में सेपरेट करता है और इस बंडल को क्या कहा जाता है फेसाइकल कहा जाता है तीसरा है एंडोमाइसियम ईच मसल फाइबर इंडिविजुअल मसल फाइबर को चारों तरफ से सराउंड करने वाला कनेक्टिव टिश्यू का जो लेयर है उसे एंडोमाइसियम कहते हैं ये इंस्टाग्राम में देखते हैं आउटर मोस्ट लेयर एपीमाइसियम सराउंड्स एंटायर मसल सेकेंड पेरीमाइसियम सराउंड मसल बंडल मसल बंडल को सराउंड करने वाला कनेक्टिव टिश्यू का लेयर पेरीमाइसियम कहलाता है थर्ड एंडोमाइसियम सराउंड्स मसल फाइबर इस डायग्राम में सबसे आउटर मोस्ट लेयर ये है एपीमाइसियम सेकेंड पेरीमाइसियम ये जो है पेरीमाइसियम है ये वाला लेयर जो बंडल को चारों तरफ से सराउंड करता है उस लेयर को कहते हैं पेरीमाइसियम और ईच बंडल प्र, बंडल के प्रत्येक मसल फाइबर को चारों तरफ से जो कनेक्टिव टिश्यू का लेयर घेरता है उसे कहते हैं एंडोमाइसियम अगर हम स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबसे पहले हम जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं जनरल फीचर्स स्केलेटल मसल्स मेड अप मैनी लॉन्ग थिन सेल्स कॉल्ड मसल सेल और मसल फाइबर प्रत्येक मसल फाइबर मल्टी होता है सिलिंड्रिकल शेप का होता है और एक सेल मेम्ब्रेन से सराउंड होता है इस सेल मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा कहते हैं मसल सेल के बीच कोई सिंसिशल ब्रिज नहीं पाया जाता मसल फाइबर में बहुत सारे फाइब्रिल पाए जाते हैं जिनको मायोफाइब्रिल कहते हैं ये मायोफाइब्रिल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन मायोसिन एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन के बनते हैं मसल फाइबर का साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहते हैं और इस सार्कोप्लाज्म में सार्कोसोम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ग्लाइकोजन रिच एमंट में पाया जाता है ये देखिए सबसे पहले सार्कोलेमा मसल फाइबर के चारों तरफ जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है उसको सार्कोलेमा कहा जाता है सार्कोलेमा के अंदर सार्कोप्लाज्म सर्कोप्लाज्मा में मायोफाइब्रिल जिसमें कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन का बना होता है इसके इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती है और न्यूक्लियस पाए जाते हैं ये मसल फाइबर मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमको स्केलेटल मसल में क्रॉस स्ट्राइएशन दिखता है जो कि इसका मुख्य कैरेक्टर है कैरेक्टरिस्टिक है इस क्रॉस स्ट्रेशन दिखने का कारण यह है कि मसल फाइबर के अलग अलग पार्ट का वेरियस पार्ट का रिफ्रैक्टिव इंडिसेस अलग अलग होता है जिसके कारण मसल फाइबर में अल्टरनेट डार्क और लाइट क्रॉस बैंड पाए जाते हैं डार्क बैंड जो होता है हाईली रिफ्रैक्टाइल मटेरियल का बनता है जिसे ए बैंड कहा जाता है इन द सेंटर ऑफ ईच ए बैंड इस फाउंड अ स्लाइटली लेस रिफ्रेक्टाइल रीजन कॉल्ड एच बैंड ये है यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा ए बैंड कहलाता है और ए बैंड के बीच यहाँ से यहाँ तक का जो रीज़न है वह स्लाइटली रिफ्रेक्टाइल होता है जिसे कहते हैं एच बैंड एच बैंड का लंबाई जीरो पॉइंट फाइव म्यू एम होता है एच बैंड के बीच में एम लाइन होती है एम लाइन के दोनों तरफ का जो लाइट हिस्सा होता है उसको सूडो एच जोन कहा जाता है ये यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा ए बैंड ए बैंड के बीच जो हल्के रंग का भाग दिख रहा है उसे एच बैंड कहते हैं एच बैंड के बीच एम लाइन होती है और एम लाइन के एम लाइन के दोनों तरफ का जो हल्का हिस्सा होता है उसको सूडो एच जोन कहते हैं ये ए बैंड हुआ अब एच एब e, है आई बैंड द अल्टरनेट लाइट बैंड इज मेड ऑफ लोअर रिफ्रैक्टाइल मटेरियल देयरफॉर फॉर लुक्स लाइटर एंड इज कॉल्ड आई बैंड ए बैंड के अल्टरनेट में ये आई बैंड होती है जो अपेक्षाकृत हल्के कलर की दिखाई पड़ती है ये आई बैंड आई बैंड और ए बैंड अल्टरनेट होता है ए बैंड के बीचों बीच जेड लाइन होती है ए बैंड के बीचों बीच जेड लाइन होती है और ये दो जेड लाइन के बीच का हिस्सा यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा जो होता है उसे सार्कोमियर कहा जाता है इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड इज फाउंड अ नैरो लाइन ऑफ हाईली रिफ्रैक्टाइल मटेरियल विच देयर फॉर लुक्स डार्क कॉल्ड जेड लाइन ये जो जेड लाइन होती है वह हाईली रिफ्रैक्टाइल मटेरियल की बनती है इसलिए डार्क कलर की होती है द कॉन्ट्रकटाइल यूनिट ऑफ द मसल इज द सब्सटेंस इंड्यूस्ड बिट्वीन टू एडजस्टिन जेड लाइन कॉल्ड सार्को मेयर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अपियरेंस माओफेब्रिल्स आर मेड अप टू सेट्स ऑफ प्रोटीन फिलामेंट थिक एंड थिन फिल्मेंट थिक फिलेंट इट इज अप्रॉक्स ट्वाइस द डायमीटर ऑफ थिन फिलामेंट एंड मेड अप ऑफ मायोसिन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ए बैंड या ए बैंड के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है प्रत्येक थिक फिलाेंट में फाइव हंड्रेड मायोसिन मॉलिक्यूल पाया जाता है ये थिक फिलामेंट मायोसिन मॉलिक्यूल की बनी हुई है मायोसिन फिलामेंट टेन टू इलेवन एन थिक होता है अगर मायोसिन का ट्रांसफर सेक्शन देखा जाए ए बैंड का ट्रांसफर सेक्शन देखा जाए तो ईच मायोसिन फिलामेंट सिक्स एक्टिन फिलामेंट के द्वारा हेक्सागोनल मैनर में सराउंडेड होता है अब मायोसिन मॉलिक्यूल का कंपोजिशन देखते हैं प्रत्येक मायोसिन मॉलिक्यूल दो लार्ज पॉलीपैप्टवी चैन दो लार्ज पॉलीपैप्टवी चैन एंड फोर स्मॉलर लाइट चैन की बनी होती है दो लार्ज पॉलीपेप्टाइड हैवी चैन एंड फोर स्मॉलर लाइट चैन की बनी होती हैं और यह कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं और यह मॉलिक्यूल दो ग्लोब्यूलर हेड और एक हैवी चैन का बना होता है ग्लोब्यूलर हेड में लाइट चैन और हैवी चैन दोनों आते हैं दोनों कंटेन करते हैं जबकि लॉन्ग टेल केवल ट्विस्ट दो ट्विस्टेड हैवी चेन का बना होता है एक बार और समझ लेते हैं कि मायोसिन मॉलिक्यूल दो लार्ज पॉलीपेप्टाइड हैवी चेन और फोर स्मॉल लाइट चेन का बनता है ये पॉलीपेप्टाइड्स कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसमें दो ग्लोब्यूलर हेड पाए जाते हैं ये ग्लोब्यूलर हेड है और हैवी और एक हैवी टेल होती है ग्लोब्यूलर टेल कंटेनिंग हैवी एंड लाइट चैन एंड लॉन्ग टेल फॉर्म्ड बाई द टू ट्विस्टेड हैवी चैन दो ट्विस्टेड हैवी चैन की बनी होती है इसके हेड में दो इम्पोर्टेंट साइट होते हैं पहला है एक्टिन बाइंडिंग साइट और दूसरा है एटीपे साइट एक्टिन बाइंडिंग साइट वेयर मायोसिन कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ एक्टिन एटीपे साइट दैट हाइड्रोलाइज एटीपी दैड सर्व एज क्रॉस ब्रिज ये दो साइट हम देख सकते हैं एक्टिन बाइट एक्टिन बाइंडिंग साइट एंड एटीपी बाइंडिंग साइट आगे देखते हैं थिन फिलामेंट थिन फिलामेंट एक्टिन का बना होता है एक्टिन ट्रोपो एंड ट्रोपोनिन का बना होता है इसमें ग्लोब्यूलर यूनिट के दो चैन लॉन्ग डबल हेलिक्स के फॉर्म में होते हैं ये आई बैंड का फॉर्मेशन करते हैं इस थिन फिलामेंट में 300 से लेकर 400 सौ एक्टिन मॉलिक्यूल एंड फोर्टी टू 60 ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल पाया जाता है ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन एक्टिन।, एक्टिन 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 फिलामेंट पतले होते हैं फोर टू फाइव एलमेंट डायमीटर में होते हैं एंड स्ट्रेच फ्रॉम जेड लाइन टू द एज ऑफ एज ऑफ एच जोन ये दो फॉर्म में पाए जाते हैं जी एक्टिन एंड एफ एक्टिन जी एक्टिन का मोलिकुलर वेट सिक्सटी सिक्सटी थाउजेंड होता है और ईच मॉलिक्यूल बाइंड्स वन मॉलिक्यूल ऑफ ए टी पी फॉर्मली एफ एक्टिन फॉर्म्ड बाई पॉलीमराइजेशन ऑफ जी एक्टिन मॉलिक्यूल विथ लिब्रेशन ऑफ एनर्जी ट्रोपोमाइसिन ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल लॉन्ग फिलामेंट है जो एक्टिन के दो चेन के बीच के ग्रुप में रहता है ये एक्टिन के बाइंडिंग साइट को कवर करके रखता है जहाँ मायोसिन हेड एक्टिन के कॉन्टैक्ट में आता है और इस प्रकार यह एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट के इंट्रैक्शन को प्रिवेंट कर देता है ये ट्रोपोमायोसिन है जो कि लॉन्ग चैन के रूप में पाया जाता है ये ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल स्मॉल ग्लोब्यूलर यूनिट होते हैं जो ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल के इंटरवल में बीच बीच में पाए जाते हैं यह तीन सब यूनिट के बनते हैं ट्रोपोनिन टी ट्रोपोनिन आई एंड ट्रोपोनिन सी ट्रोपोनिन टी बाइंड्स द अदर ट्रोपोनिन कंपोनेंट टू ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन आई इनहिबिट्स द इंट्रेक्शन ऑफ मायोसिन विथ एक्टिन एंड ट्रोपोनिन सी कंटेनिंग बाइंडिंग साइट फॉर कैल्शियम देन इनिशिएट मसल कॉन्ट्रैक्शन ये देख सकते हैं ट्रोपोनिन टी ट्रोपोनिन सी एंड ट्रोपोनिन आई ट्रोपोनिन सी से कैल्शियम बाइंड होता है मसल कॉन्ट्रेक्शन के समय जिससे यह लेटरली शिफ्ट हो जाता है और बाइंडिंग साइट जो कि मायोसिन हेड के लिए होती है वह अनकवर्ड होती अनकवर्ड हो जाती है कैल्शियम बाइंडिंग साइट ऑफ ट्रोपोनिन टू सेचुरेशन पॉइंट कॉजिंग ट्रोपोमायोसिन टू मूव लेटरली दिस एक्सपोजेस द बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन हैड ऑन एक्टिन कैल्शियम ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन के सी साइट को बाइंड करता है जिससे ट्रोपोमायोसिन लेटरली मूव हो जाती है और एक्टिन पर मायोसिन हेड के लिए बाइंडिंग साइट खुल जाती है कैल्शियम दैट इनिशिएट मसल कॉन्ट्रैक्शन At rest, when the muscle is relaxed, the thin filament interdigited with the thick filaments. Only outside the H-band during muscle contraction, the length of A band remains constant, whereas Z line moves close together. Reference textbook of physiology AK Gen Picture Source. AK Gen Principle of Anatomy and Physiology by Brian Gerard D. Gerard J. Totra and Brian direction